हेलो नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज का जो टॉपिक है वो है अपना पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर सेकंड का अपन फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप टॉपिक चल रहा था, उसका सेकंड टॉपिक है अपना पार्टनरशिप। तो वो आज पूरा पार्टनरशिप डिस्कस करने वाले हैं, मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, फीचर्स देखेंगे, मेरिट्स देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे। सिर्फ पूरा वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इनकेस बेटा वीडियो पसंद भी नहीं आएगा तो कमेंट करके मुझे अपनी नाराज़गी बताइएगा प्लीज़, ठीक है। तो मैं सजेशन के लिए हमेशा ओपन हूँ, इसलिए मैं और अच्छा इम्प्रूव करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, और अच्छा कंटेंट या वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसलिए अपने सजेशन जो है कमेंट बॉक्स पर प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप और किस टॉपिक पर चाहते हैं या क्या और कैसे मैं अपना जो अपना वीडियो है लेक्चर है वो इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो है अपना पार्टनरशिप। मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप क्या होती है बेटा, सेकेंड फॉर्म ऑफ ओनरशिप है बिजनेस को करने का। यहाँ पर क्या हो रहा है, द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, ये दो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप है बेटा। एक पर्सन होता तो सोल प्रोप्राइटर कहलाता है, यहाँ पर एटलीस्ट यू रिक्वायर टू पर्सन इन ऑर्डर टू फॉर्म द पार्टनरशिप, एटलीस्ट दो पर्सन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पार्टनरशिप को कंडक्ट करने के लिए या रन करने के लिए। वहां पर क्या हो रहा है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे पार्टनर मिलजुल के वो बिजनेस को करेंगे या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक ही बंदा औरों को भी या और पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है थर्ड पार्टी के सामने। से फॉर एग्जाम्पल, तीन पार्टनर हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, दो अवेलेबल नहीं है तो एक ही जाकर थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ मीटिंग कर सकता है। लेकिन क्या होगा बेटा, अगर मीटिंग का जो कॉन्सिक्वेंस है वो औरों को भी बियर करना पड़ेगा, इनकेस अगर लॉस होता है उस मीटिंग को करने से, उस एग्रीमेंट को करने से, तो वो दोनों अवेलेबल नहीं है, वो पार्टनर्स जो तीन पार्टनर्स थे उसमें से दो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट है अगर लॉस होता है तो उनको भी बियर करना पड़ेगा। इसलिए म्यूचुअल एजेंसी है, पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी, जिसमें हो सकता है करे कोई भरे कोई, ठीक है। तो आपस में मिलजुल के डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक का लिया हुआ डिसीजन दूसरे पर भारी पड़ सकता है या दूसरे को उसके कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ सकते हैं। हो रहा है क्लियर। फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं बेटा, पहला फीचर्स दिख रहा है आपको फॉर्मेशन। पार्टनरशिप को फॉर्म करना बहुत ही ईजी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत इसको फॉर्म करना पड़ता है, जिसमें सिंपल सा एग्रीमेंट साइन अप होता है, जिसमें जो दो पार्टनर्स होंगे, मिनिमम टू पार्टनर्स, मैक्सिमम मे बी 50 हो सकते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में या बैंकिंग फर्म में 10 मेंबर्स कंपलसरी हैं आपके। इसमें क्या है, सिंपल से एक एग्रीमेंट साइन अप होता है जिसमें दोनों पार्टनर्स एग्रीड करते हैं कि हम जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी पार्टनरशिप डीड है उसके अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस एक एग्रीड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, और सही पर्पस के लिए, वैलिड पर्पस के लिए हम अपना पार्टनरशिप बिजनेस चलाएंगे या चलाना चाहते हैं। इसमें फॉर्मेशन में आपको रजिस्ट्री कराना किसमें, पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं है, कंपनी में कंपलसरी है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, गेटिंग सेंस। इसमें क्या है, सेकंड देखते हैं बेटा, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है, इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, दैट मींस सिंपल सा मतलब यह है कि अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स को अपनी बिजनेस की एसेट्स के साथ साथ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सोल्ड आउट करनी पड़ेगी और इन ऑर्डर टू रिपे द डेब्ट टू द थर्ड पार्टी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सोल्ड आउट करना पड़ता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी जब भी होती है किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, राइट। थर्ड जो है अपना वो है रिस्क बियरिंग। इसमें क्या होता है बेटा, रिस्क, अब इसमें क्या हो रहा है, सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा था तो सारी रिस्क खुद को बियर करनी पड़ती थी, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग द पार्टनर्स, मतलब रिस्क को बियर करने के लिए जितने भी पार्टनर्स होंगे, दो तीन चार जितने भी, वो आपस में रिस्क को शेयर करेंगे या लॉसेस को कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर 10,000 का लॉसेस हो रहा है तो अगर पांच पार्टनर्स हैं तो 2,000 में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो रहा है क्लियर। तो एक ही के ऊपर बर्डन नहीं आ रहा पूरे लॉसेस का अपनी कंपनी के। हो रहा है क्लियर। आगे देखते हैं डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन कौन मेक कर रहा है बेटा, जितने पार्टनर्स होंगे, सिंपल सा है, जितने भी पार्टनर्स होंगे सब आपस में सलाह मशवरा करके बिजनेस के डिसीजन लेंगे, और कंट्रोल भी पूरा कंट्रोल उन पार्टनर्स के पास रहेगा जितने भी आपके पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में। हो रहा है क्लियर। फिर आगे देखते हैं कंटिन्यूटी, क्या लंबे समय तक पार्टनरशिप फॉर्म चल सकती है, नहीं चल सकती इनकेस अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। अगर मान लो टू पार्टनर्स हैं, किसी की डेथ हो जाती है, कोई
इंसैनिटी हो जाती है, कोई पागलपन हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी कारण से एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है या वो नहीं रहता, तो पार्टनरशिप बंद हो जाती है इन केस ऑफ टू पार्टनर्स। अगर दो से ज़्यादा हैं और किसी एक के जाने के बाद, मान लीजिए चार जने हैं, एक चले गए, किसी की डेथ हो गई, तो एक के जाने के बाद अगर तीन जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि हम पार्टनरशिप फर्म को बंद नहीं करना चाहते, तो उनको सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को बंद करने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना पड़ेगा या नया बनाना पड़ेगा। दैट्स इट, पूरा क्लियर? आगे देखते हैं मेंबरशिप। यहां पर एटलीस्ट यू रिक्वायर 2% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस, मैक्सिमम जो है 50 हैं प्राइवेट फर्म में, और बैंकिंग फर्म के लिए 10 मेंबर्स होने चाहिए। पूरा क्लियर? फिर आगे देखते हैं म्यूचुअल एजेंसी। जैसे मैंने बताया एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या है बेटा, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर किसी एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, आपस में सब एकजुट होकर डिसीजन लेते हैं, तो किसी एक का डिसीजन लिया हुआ, अगर इन केस वो प्रेजेंट नहीं है, उनकी एब्सेंस में कोई एक डिसीजन रहता है, तो उसका रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस औरों को भी भरना पड़ेगा। तो सोच समझ के डिसीजन लेके, अच्छे से डिसाइड करके ही पार्टनरशिप फर्म में डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंसेस सबको एक साथ भरना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा सब शेयर करेंगे, लॉस होगा सब शेयर करेंगे। मेकिंग सेंस? आगे बढ़ते हैं, ये थे अपने फीचर्स, 7 फीचर्स, हो रहे क्लियर? बिल्कुल ईजी हैं बहुत ही। मेरिट्स की तरफ बढ़ते हैं अब। मेरिट्स में पहला क्या है बेटा, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फीचर अच्छे से समझ में आ गए तो ये तो फिर बच्चों का खेल है बेटा, आराम से, बहुत ईजी है। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर जैसे कि अपना पहला था, इससे ईज मतलब बहुत ईजी है। तो इधर क्या है, फॉर्म करना, स्टार्ट करना पार्टनरशिप को, क्लोजर मतलब बंद करना बहुत ईजी है। जैसे कि मैंने बताया रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है, और सिंपल सा एक लीगल डॉक्यूमेंट साइनअप होता है, एग्रीमेंट साइनअप होता है, जहाँ पर पार्टनर्स इजीली वो डॉक्यूमेंट साइनअप कर सकते हैं और पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हैं। और क्लोजर करने के लिए भी कोई एज सच हैक्टिक प्रोसीजर नहीं है, जो कि कंपनी में बहुत हैक्टिक हो जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म में एज सच ऐसा कुछ नहीं है। मेकिंग सेंस? आगे देखते हैं बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है बेटा, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग मतलब आपके चांसेस, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसके राइट होने के ज़्यादा बेटर हैं, या अच्छे डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास सलाह मशवरा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए 2-3 पार्टनर्स और हैं। सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा है, एक ही बंदे के पास उतना नॉलेज हो, टैलेंट हो, स्किल हो, डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर यू हैव नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो आप अच्छे से आपस में डिसाइड कर सकते हैं और फिर एक सहमति से डिसीजन ले सकते हैं, तो आपके चांसेस ऑफ हैविंग अ राइट डिसीजन इंक्रीजेस। यहाँ पर चांसेस आपके राइट डिसीजन लेने के इंक्रीजेस हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव नंबर ऑफ पर्सन टू कंसल्ट विद। हो रहा है क्लियर? आगे देखते हैं मोर फंड्स। अब इन केस इफ यू वांट टू जनरेट फंड्स, आपके पास पैसों की कमी है, इफ यू आर वांटेड टू जनरेट द फंड्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, और कहीं से भी इफ यू वांट टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक एज वेल, तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा चांसेस हैं इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटर। एक ही बंदा है, कहां कहां से पैसे अरेंज करेगा? यहां पर यू हैव नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो सब आपस में कंट्रीब्यूट जब करेंगे तो अमाउंट ऑफ मनी जितना रेज होगा वो कहीं ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो यहां पर वी कैन जनरेट मोर फंड्स विद द हेल्प ऑफ पार्टनर दैट वी हैव इन आर फर्म। हो रहा है क्लियर? आगे देखते हैं शेयरिंग ऑफ रिस्क। रिस्क क्या हो रही है यहां पर, जो लॉसेस हैं वो आपस में शेयर हो रहा है किसी एक के ऊपर। यू आर नॉट गेटिंग द एंटायर बर्डन, पूरा बर्डन किसी एक के ऊपर नहीं आ रहा, पूरा जो आपका रिस्क है, जो भी लॉसेस है, वो आपस में बढ़ जा रहा है। तो ईजी है, एक के ऊपर लोड या बर्डन नहीं आ रहा, रिस्क आपस में शेयर हो जाती है, देयरफॉर इट इज एन एडवांटेज। देन कम सीक्रेसी, दैट आल्सो नोन एज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी भी बेटा सीक्रेसी को ही कहते हैं, तो यहां पर सीक्रेसी मेंटेन रहती है। क्यों? रीजन ये है इसका, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को ऐसा कोई एज सच कंपल्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको अपने अकाउंट्स, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपना फाइनेंशियल स्टेटस पब्लिक को शो करना है, तो क्या होगा, अपनी सीक्रेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि अपन को आउटसाइडर्स को अपने अकाउंट्स वगैरह, अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन वगैरह डिस्क्लोज या दिखानी नहीं पड़ती। हो रहा है क्लियर? तो यहां पर क्या है, सीक्रेसी मेंटेन रहती है इस वजह से। तो ये थे अपने 5 मेरिट्स। बढ़ते हैं लिमिटेशंस की तरफ, जो कि पहला है अपना
अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि इन केस ऑफ लॉसेस अगर होता है तो आपको बिजनेस एसेट्स के साथ साथ अगर वो कम पड़ती है तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सोल्ड आउट करनी पड़ सकती है। दैट सिंपली मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मेकिंग सेंस। आगे लिमिटेड रिसोर्सेज, अच्छा यहां पर आप कहेंगे सर आपने तो यहां बोला मोर फंड्स और यहां पर बोला लिमिटेड रिसोर्सेज, तो बेटा इसको कंपेयर करा गया है विद अ कंपनी जहां पर सेवरल थाउजेंड ऑफ वर्कर्स आर देयर और शेयर होल्डर्स आर देयर हु आर कंट्रीब्यूटिंग फंड्स। लेकिन इन केस यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास लिमिटेड है द नंबर ऑफ पार्टनर्स यू कैन हैव मैक्सिमम 50, तो आप जितने भी पार्टनर्स होंगे नॉर्मल कंडीशन में कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5, तो वही जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना ही तो कंट्रीब्यूट करके ला पाएंगे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे उनके पास या लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंस दे कैन जनरेट बिकॉज देयर नंबर्स इज लिमिटेड, मेकिंग सेंस। यहां पर क्या है, लिमिटेड पार्टनर्स के होने के वजह से अपन लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही जनरेट कर पाएंगे, गेटिंग इट। आगे है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है क्योंकि 2, 3, 4, 5 पार्टनर्स हैं अपने पास, सबसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा, हो सकता है आपस में बने नहीं, एक डिसीजन किसी और ने लिया उसमें कोई और सहमत नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं था, क्यों, क्योंकि वहां पर देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज टेकिंग द एंटायर डिसीजन। यहां पर क्या हो रहा है, आप सबसे कंसल्ट कर रहे हैं, सबकी सहमति ले रहे हैं और आप अकेले डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में। आगे बढ़ते हैं, लेक ऑफ कंटिन्यूटी, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता इनकेस अगर दो पार्टनर्स हैं, एक की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। लेकिन 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 अगर दो से ज़्यादा बंद हैं, 3, 4, 5, 6 हैं, अगर एक दो चले भी जाते हैं लेकिन रिमेनिंग पार्टनर्स चाहते हैं कि वो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कैसे, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है इसको रिन्यू करके, हो रहा है। आगे देखते हैं फिफ्थ, लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, सेम सीक्रेसी वाला पॉइंट। बेटा पब्लिक को किसी भी फॉर्म के ऊपर कॉन्फिडेंस कब आएगा, यहाँ लेक मतलब बता कमी, मतलब पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर, क्यों नहीं है, मैं यही समझा रहा था कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस कब आएगा किसी भी फॉर्म के ऊपर, जब पब्लिक को उसकी नॉलेज होगी, जब पब्लिक को उसके बारे में पता रहेगा कंपनी के बारे में कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या बैलेंस शीट है, कैसे वर्क करती है, कितने एम्प्लॉयज हैं, सब कुछ पता रहेगा, जब भी अपन किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं पार्टनरशिप वाले, कोई भी चीज डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे, अपनी वर्किंग की कंडीशन, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस पोजिशन डिस्क्लोज नहीं कर रहे पब्लिक को, तो कहां से कॉन्फिडेंस मिल पाएगा पब्लिक का पार्टनरशिप फर्म को। इस वजह से पार्टनरशिप फर्म को पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है, हो रहा है क्लियर, मेकिंग सेंस। तो ये थे अपने लिमिटेशंस, आई होप पूरा अपन ने डिस्कस कर लिया है, क्या मीनिंग से लेकर फीचर्स पे बढ़े, मेरिट्स पे आए, लिमिटेशंस पे आए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करके इजी एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।